नहीं अवार्ड रिसीव कर रहे हो? अवार्ड सारे स्पेशल होते हैं, अवार्ड रिसीव करना एक एक्टर को हमेशा ही अच्छा लगता है। मैं बता दूं कि मैं थी हैदराबाद में और जब मुझे ये पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, यू नो हम टेलीविज़न में बहुत सारे फ्लैशी अवार्ड्स नाइट होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लैशी इवनिंग, स्टारी इवनिंग्स होते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज्ड होना ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अपनी अपनी फिल्म के साथ आए हैं और इतनी बेहतरीन फिल्में हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और अलग अलग मुद्दों पर है, इतने हार्ड वर्किंग और इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ अंदर इस वक्त, इन लोगों के बीच में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है, ट्रॉफी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंट को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल्सो कितना मोटिवेशन मिलता है जब अवार्ड मिलता है बहुत बहुत बड़ी बात होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब ऐसी चीज़ें आपके हाथ में आती है तो एक पुश मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। सो अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम एंड अवार्ड्स आर ऑलवेज ऑलवेज स्पेशल। हम आल्सो 22 मार्च को जो है वाटर सेफ डे है, कुछ व्यूज है आपके? अरे इसके बारे में बात करते हैं, तुम अलग अलग मुद्दों पर चले गए, नो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे बड़ी बात है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल में जो कामयाबी की फिल्म आई है, ऐसे तो 750 फिल्में आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास में, जिसमें से हम लोग ने 100 फिल्मों को चुना है जो बेस्ट सोशल सिनेमा है, जिसके अंदर से जो कामया जी की और डायरेक्टर सर की जो फिल्म है संजय शुभांकर, संजय जी की जो फिल्म है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इसके अंदर एक सेलिब्रिटी है, इसलिए कि इसका सब्जेक्ट ही अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। Absolutely. और उसको परफॉर्म करने के बाद में हर सेलिब्रिटी ये चाहती है कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट करूँ जहाँ पर मेरे अंदर के एक्टर को दिखाने का मौका मिले। तो सर थैंक यू सो मच कि आपकी इतने सालों की मेहनत जो आपने लिखी बनाई, और बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं क्योंकि फिल्में पैसे से नहीं बनती है, फिल्में बनने की वजह एक डायरेक्टर का जज्बा, उसकी जिद, उसके एफर्ट्स और डेडिकेशन होते हैं, और एक एक्टर के लिए वो एक्टर हर एक रीज़न से आता है अपने सपनों में, सपनों को लेकर यहाँ पे माया नगरी में, लेकिन जब तक एक उसको अच्छा कंसेप्ट, अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक उसकी जर्नी मुझे लगता है अधूरी रहती, चाहे वो कितना भी पैसे वाला बन जाए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर कि हमारे फिल्म फेस्टिवल में आपने फिल्म भेजी। नहीं नहीं थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए कि इतने अच्छे फिल्म फेस्टिवल में आप लोगों ने हम लोगों को शामिल किया, हमारी फिल्म के ऊपर इतने अच्छे तरीके से इतना पॉजिटिवली उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और आज ये सम्मान हम लोगों को मिला है, हम मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस ये ज़रूर कहेंगे कि एक सम्मान, इस तरीके की जो अवार्ड्स हैं ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी सर, फिल्म के बारे में अगर कुछ बताएं। फिल्म के बारे में बताएंगे कि फिल्म का नाम है शी नेवर सेड, और शी नेवर सेड एक तरीके का जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फिल्म है, और फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि सोसाइटी के हर तबके में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, आईएएस पीसीएस से लेके पॉलिटिशियंस तक और गरीब घर में काम करने वाली भाइयों तक, लड़कियों तक, सबके साथ कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। हमने इस फिल्म के ज़रिए कोशिश की है कि एक आईना हम बार बार दिखाएँ, शी नेवर सेड वो कभी नहीं भूली, लेकिन आखिर कब तक, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हमने कोई सलूशन नहीं दिया है फिल्म में, हमने कोई इसके अंदर सोशल मैसेज नहीं दिया है, हमने सिर्फ एक आईना दिखाया है सोसाइटी को, उसमें मेल फीमेल हर तरीके के लोग, हर कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं, आप देखो शायद आपको दर्द समझ में आए। और जब फिल्म हमने बनाने की कोशिश की तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं रंजन जी, राजीव जी, गौरव जी और बाकी पूरी टीम, हमारी जो राइटर हैं, उन्होंने जब पहली बार ये स्क्रिप्ट हमें सुनाई तो वाकई में सुन के
पूरी स्क्रिप्ट में जो मज़ा आया और करने का जज्बा पैदा हुआ, और सबसे पहला जो चेहरा हमारे जहन में आया था वो कान्हा जी का था। बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे पंकज जी के यहाँ से अवार्ड मिला है। पंकज बेरी साहब जो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, इंसान इतने प्यारे इंसान, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, मैं समझता हूँ कि ट्रू लेजेंड पंकज बेरी साहब के हाथ से जो अवार्ड मुझे मिला है। मेरी इतनी तारीफ़ की सुनील जी ने, धन्यवाद। मतलब मेरा हौसला बढ़ गया, लगता कि और जीवन में अच्छा काम करना पड़ेगा मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ऐसे ही अवार्ड आपको भी मिलते रहें और आपके हाथ से हमें भी। ये सुनील जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। सर, जैसे आपने कहा कि आपका हौसला बढ़ा, आप दोनों से जानना चाहूँगा, एक कलाकार के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह का एप्रिसिएशन। देखिए भैया, आज का ज़माना इतना टेंशन वाला ज़माना, डिप्रेशन वाला ज़माना है कि जोश और मौज को डाउनलोड करना पड़ता है। यस, बिल्कुल, वो भी डाउनलोड, जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे में ऐसे लेजेंड्स या ऐसे दोस्तों साथियों के बीच में रह के आपको जोश और मौज रियल में मिले अवार्ड के जरिए, पूरा पारितोष के जरिए, सम्मान के जरिए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट। ये जोश, ये जो अवार्ड है, ये एक इंस्पिरेशन होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देती है। तो ऐसे अवार्ड मिलते रहने चाहिए, कलाकार जीवित रहता है और अच्छा काम करने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, तो एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है। सर, बाकी प्रोफेशनल में ये चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? धन्यवाद। अभी थोड़ा सा इनका जोश कम हो गया था तो ये पंजाब जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब को पता है आपको जोश का स्टेट माना जाता है, उत्साह का जोश माना जाता है। पंजाब इतना बड़ा, इतना खूबसूरत स्टेट है, हंसने हंसाने भी इतना बिलीव करता है कि अपना मुख्यमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन को बना देता है। स्टैंड अप कॉमेडियन को अपना मुख्यमंत्री बना देता है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में आप जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। खाना पीना पंजाबियाँ दिशान बकरी, सुबह मुर्गा खाते शाम बकरी, जो नॉनवेज खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जितने पंजाबी जानते हैं उत्थे नवा पंजाब बसाते हैं, दूरंदेशी होते हैं, देश में भी दूर कनाडा, सीए के बारे में एक पंजाबी से पूछा, ओ जी सीए तो सिंपल बहुत है, सी मतलब कनाडा, ए मतलब अमेरिका, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, सीए बस उनको इसी से मतलब है। तो पंजाबी हमारे बहुत ही प्यारे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि पंजाबी मनमौजी है पर देश में मुसीबत आए तो हर पंजाबी फौजी है। तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ जा रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे मित्र की तरफ से, मकुंद मान की तरफ से। एंड क्या करें, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जीवन में अभी हमारी फिल्म गाली गलौज तो आकर गई है, यूट्यूब पर रही, आप देखिए सुनील पाल ऑफिशियल पर। साथ साथ में एक फिल्म हो रही है कॉफ़ी विथ अलोन, एक डिप्रेशन की कहानी है, एक डिप्रेशन का बंदा है, आजकल हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है दो लोग को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि उसे ज़रूर देखिएगा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं आपको पता है थिएटर और लाइव शोज में ज़्यादा रमता हूँ, वहीं से मेरा मन लाइव ऑडियंस के बीच में ज़्यादा लगता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बॉलीवुड से कह सकूँ कि भैया काम ज़रूर दीजिए, लेकिन रेट जो तुम चाहो और डेट जो मैं चाहूँ। क्या प्रेरणा रही है अवार्ड को करने की, आप खुद ऐसा भी बनाते हैं? पहले तो थैंक यू सो मच सारे मीडिया लोगों के लिए, काफ़ी वक्त से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो और काफ़ी वक्त तक आपने वेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस अवार्ड के बारे में मैं कहने के पहले एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक मुद्दे पे जो कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंस की, फंडिंग की, और कोई भी सोशल अभियान आगे नहीं पहुंच पाता है। और ये अभियान अगर किसी के सपोर्ट से अगर पहुंच पाया है तो वो है दिव्यांग फाउंडेशन एंड साई मूवमेंट साथ ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज ये इतना बड़ा फेस्टिवल हो पाया और हम ऑल ओवर इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान के 100 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर्स को फेलिसिटेट कर पाए। उसके फाउंडर हमीद सर हमारे साथ में है। एक्चुअली दिव्यानूर फाउंडेशन जो ये साउथ ऑफ इंडिया मूवमेंट शुरू किया है तो इसका मेन मकसद है कि जो हर इंसान के अंदर में उसकी जो सामाजिक दायित्व है और उसके अंदर जो एक आध्यात्मिक चेतना है उसको कैसा उजागर किया जा सके, जिसमें कि समाज के साथ साथ उसके जीवन में भी एक संतुलन, शांति, समृद्धि आ सके। जब मुझे ये सोशल सिनेमाज जो हैं, क्योंकि दिव्यानूर फाउंडेशन का जो साउथ ऑफ इंडिया मूवमेंट है उसका एक पार्ट है जो सोशियो स्पिरिचुअल मीडिया नेटवर्क्स बोलते हैं,
तो जिसके अंदर में हम चाहते हैं कि समाज में छोटे फिल्म के जरिए या फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो या किसी तरह से डिजिटल मीडिया हो, उस तरह में पॉजिटिव चीज़ें समाज में आए। कि आज अगर आप जहाँ पर भी देखेंगे नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा प्रमोट होती है, क्योंकि इंसान डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि दायित्व है जो फिल्म मेकर्स के, जो भी मीडिया के, वो पॉजिटिव चीज़ों को भी उसी तरह से बढ़ावा दे जो कि समाज में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। तो उसके लिए पहल था, और कहीं ना कहीं विक्रांत जी का जो मैंने सफ़र देखा है, उन्होंने ज़्यादातर सोशल फिल्म्स को ही प्रमोट किया है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सहयोग करना हमारे लिए सही है, क्योंकि हमारा मिशन भी वही है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, एंड जो हमारा इवेंट था वो तो आपको सर ने बताई दिया है कि जो भी था, हम बहुत सारे फिल्म मेकर्स को अवार्ड दिए, बहुत सारे फिल्म मेकर इंडिया के बाहर से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे, तो अवार्ड देकर हमेशा ही अच्छा लगता है सबको। और हमारी बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आई थी, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हमारे पास सबमिट हुई थी जिनका मैसेज बहुत अच्छा था, जो मैसेज को कन्वे होना बहुत ज़रूरी था, तो हमने बस वही एक पहल की थी। और हम हर साल करते हैं, और हमेशा ही मुझे अवार्ड देकर फिल्म मेकर्स को बहुत अच्छा लगता है, एंड आप सबके जरिए हम लोगों तक पहुँच पाते हैं, तो थैंक यू सो मच इतने टाइम पर हमारा वेट करने के लिए, और हमारे जो इवेंट है उसको काफ़ी अच्छे तक लोगों तक पहुँचाने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे हसीन लम्हा है, जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को और मेरे पार्टिसिपेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आपको मुस्कुरा के, यानी बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर का अगर तूफान आपने हैंडल करना सीख लिया तो आप ज़िंदगी में हमेशा चैम्पियन रहेंगे। तो हमेशा हमेशा चैम्पियन रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और लाइफ में कभी भी घबराइएगा मत। All seasons are not same. सारे सीजन का सामना करते रहिएगा, और थैंक यू फॉर दिस। फिल्म देवी के लिए मिला, जो कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी है, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब हम खुद खड़े होते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैं एक एक्ट्रेस हूँ बट ये मेरा पहला टाइम है कि मैंने एक मूवी बनाई है। थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, एक छोटे से काम करने को बहुत एफर्ट चाहिए होता है, और यहाँ पे इन लोगों ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके, स्क्रूटिनाइज करके, टैलेंट को पहचान के, जिस तरह से लोगों का मनोबल और उत्साह बढ़ाए, दैट इज़ रिमार्केबल। और मेरे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, करियर काउंसलर और मेंटल हेल्थ बिंग कोच हूँ, पेरेंट एजुकेटर भी हूँ। मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थाट्स, प्रोकास्टिनेशन से जूझ रहे थे। एक्चुअली दिस इज़ ये जो है, मैं इंटरनेशनल मूवी बनाया हूँ, इसके अंदर ऑल वेस्टर्न पीपल एंड अरब्स आर देयर, इंडियंस भी जो बने हैं उसमें अरब्स का काम कर रहे हैं, बट उन लोग अरब्स हैं, इंडियन नहीं है। दिस इज़ मूवी इज़ मेड ऑन ह्यूमैनिटी, और इसके अंदर जो दुनिया में जो वॉर हो रही है, जो यूक्रेन का वॉर, रशिया, अमेरिका, इसराइल, और जो फलस्तीन और दूसरे जगह पर भी, सोमालिया, आई डोंट नो अदर प्लेसेस और जगह जिधर वॉर का सिलसिला चल रहा है, तो दिस इज़ जस्ट अ कूलेंट टू दैट। इट्स 1.5 आवर मूवी, एंड पूरी मूवी में डायलॉग्स नहीं है, इट्स अ साइलेंट मूवी वेयर वी आर गोइंग टू गिव अ पीस मैसेज दैट स्टॉप किलिंग चिल्ड्रन एंड स्टॉप किलिंग इनोसेंट फैमिलीज इन वॉर जोन। इस अवार्ड के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये मेरे करियर का पहला अवार्ड है, सो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मतलब इस अवार्ड को पकड़ के मुझे जो फील हुआ है आज, वो मैं अभी कभी भी, शायद वो पहला एक्सपीरियंस मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है इस वक्त, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी फिल्म मैनी क्वीन के लिए है, जो एक ब्लाइंड लड़के के ऊपर है, उसके इमेजिनेशंस के ऊपर है, कि अगर वो एक लड़की को देख नहीं सकता तो वो एक मैनी क्वीन के थ्रू उस लड़की को इमेजिन करता है, उस लड़की को फील करता है, और उसके इमेजिनेशन का लेवल वो क्या होता है, वो उस स्टोरी पे आपको ये सब देखने को मिलेगा।